नमस्कार आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 के जरिए इसके अलावा हमारे तमाम माध्यम हैं बहुत से जरिए हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक है हमारा यूट्यूब चैनल एन ऑफिशियल जिसके बारे में आप सभी को पता है तो एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में यानी पांच दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग है हमारे सभी दर्शकों के लिए और आज हमारे इस ट्रेनिंग सत्र का दूसरा दिन है तो आपको विषय भी बताते चले हम बात कर रहे हैं दीक्षा पर वर्चुअल लैब के शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य के बारे में और दर्शकों इस थीम के अंडर हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको भी आपके सामने आपसे रूबरू करवाते हैं आज हम बात करेंगे वर्चुअल लैब एक शिक्षण उपकरण के रूप में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रयोगशालाएं किस तरह से हमारे बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है उसे और सुगम्य बनाती हैं आसान बनाती हैं और प्रयोगशालाएं है, हमें ये मौका भी देती हैं खासतौर पर वर्चुअल लैब्स कि आप कहीं पर भी किसी भी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी विषय में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं उनसे भी आपका परिचय ज़रूर कराएंगे पर उससे पहले एक बार आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखें और एक डिटेल बैनर यहाँ पर आप सभी के लिए फ्लैश किया जा रहा है जिसमें विशेष जानकारी है कि अपने पांच सत्रों में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं और कल हम आपको बता दें कि पहला दिन था हमारे इस ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला का और हमारी चर्चा का विषय था वर्चुअल लैब नीति परिप्रेक्ष्य आवश्यकता और संभावनाएं आज जैसा कि हम आपको बता चुके हैं हम चर्चा करेंगे वर्चुअल लैब एक शिक्षण उपकरण के रूप में साथ ही दर्शकों कल चर्चा का विषय रहेगा कि गणित के विशेष संदर्भ में वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्रीय उपयोग कैसे किया जा सकता है और चौथा दिन यानी चौदह दिसंबर हम बात करेंगे विज्ञान के विशेष संदर्भ में वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्रीय प्रयोग और साथ ही पांचवा दिन यानी अंतिम दिन जो हमारी सीरीज का है उसमें हमारी चर्चा का विषय रहेगा भाषाओं के विशेष संदर्भ में वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्रीय उपयोग और जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड वेब पेज है इस वेबसाइट के लिए और जब हमारे पास इस सत्र में अंतिम पाँच मिनट का समय शेष होगा तो आपको अधिक जानकारी हम देंगे कि किस तरह से आप लॉग इन कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं अपने प्रश्न तो आप हमारे सत्र के अंतर्गत हमारे साथ साझा कर ही सकते हैं और आप एक प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले सकते हैं तो ये क्विज लिंक कब अपडेट होगा इसके बारे में अधिक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सत्र के जब अंत में हम पहुंचेंगे आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शशि प्रभा मैम नमस्कार मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और मैम विभाग प्रमुख हैं योजना एवं अनुसंधान प्रभाग सी आई नई दिल्ली से और हमारे साथ श्रीमती आना गुप्ता जी भी मौजूद हैं नमस्कार yes. आपका भी स्वागत है आप अकादमिक सलाहकार हैं सी आई टी नई दिल्ली से और दर्शकों इस पूरे सत्र के दौरान कोई भी सवाल जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं कुछ भी आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप सभी की स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है बेचक हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर जो है एट, एट जीरो फोर फोर जीरो फाँग फाँग और इसके अलावा हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं कोई क्वेरी जो इस ट्रेनिंग सत्र से जुड़ी हुई है इस प्रशिक्षण श्रृंखला के अंतर्गत आप कुछ पूछना चाहते हैं तो केवल इस मेल आई का प्रयोग कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है ट्रेनिंग डॉट हेल्प डेस्क एट द रेट ciet.nic.in आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपने फीडबैक भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं फीडबैक फॉर्म आपको सी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और दर्शकों चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आ, प्रोफेसर शशि प्रभा मैम क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल लैब्स के बारे में आभासी प्रयोगशालाओं के बारे में तो हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन सी ऐसी अनुशंसाएं हैं क्या पॉलिसी परस्पेक्टिव हैं वो क्या कहता है वर्चुअल लैब्स के बारे में जी आ, बहुत ही अच्छा सवाल किया हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन ए की अनुशंसा के अनुसार आगे हम लोग काम करते हैं बिल्कुल और वर्चुअल लैब के बारे में एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी का ये कहना है कि दीक्षा स्वयं स्वयं प्रभा जैसे ई लर्निंग कई प्लेटफॉर्म हैं तो उन प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण जो व्यवहारिक और प्रयोग आधारित सीखने के अनुभवों तक सभी को समान रूप से पहुंचाया जाए मतलब कि हमें देश बहुत ही विविध संस्कृतियों विविध ज्योग्राफिकल और कल्चरल और अम, हिस्टोरिकल प्लेसेस से है तो सभी को समान रूप से ये वर्चुअल लैब का फ़ायदा हो और अवधारणाओं की समझ में उन्हें सुविधा मिले और साथ ही जो पेडागोजी के बारे में एन 2020 का कहना है कि शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक बनाए मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड बनाएं होलिस्टिक बनाए और एकीकृत बनाए और पूछताछ करते हुए संचालित होना चाहिए मतलब बच्चों से बातचीत करते हुए उनके सवालों पर ध्यान देते हुए और साथ में खोजी उन्मुख मतलब कि बच्चे को वो वो डिस्कवर करने के लिए हाँ क्यूरिसिटी हो और वैसा हम माहौल दें कि बच्चे कुछ खोजबिन करें और शिक्षार्थी केंद्रित हो चर्चा आधारित हो लचीला और निश्चित रूप से आनंदमय बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र को विकसित करना पड़ेगा ऐसे हम पढ़ाई लिखाई में बच्चों को इंगेज करें जिससे कि लर्निंग जॉयफुल हो और बच्चे खुशी खुशी सीख ले उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस भी नहीं हो कि हाँ हम सीख रहे हैं और वो सीख भी ले बिल्कुल और आसान भाषा में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि वर्चुअल लैब्स ये जो आभासी प्रयोगशालाएं हैं दरअसल ये हैं क्या एक तरी इसे आप बता सकते हैं कि एक बहुत ही प्रभावशाली शैक्षणिक उपकरण है जो कि एक सक्रिय और इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है मतलब कि जो हम लोग बच्चों के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होता क्या है कि एक फिज़िकल लैब में कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं और बच्चे हमारे कई स्कूलों में बहुत क्राउडेड होते हैं अगर पचास बच्चों का है तो 25 बच्चे एक बैच में काम करेंगे और वो ग्रुप में काम करते हैं ग्रुप में काम करना भी अच्छी बात है ये वर्चुअल लैब में क्या है कि ग्रुप में भी इतना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी इतना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया का जो प्रयोगशाला है मतलब एक्चुअल है जैसे कि हम डेंसिटी मेज़र कर रहे हैं तो हमें पानी चाहिए या कोई लिक्विड चाहिए कई तरीके के मटेरियल चाहिए इकट्ठा करना है इसमें क्या है कि आप सारा कुछ आपको अवेलेबल है वर्चुअल मोड में और उसके साथ बच्चे कर रहे हैं उसका सिमुलेशन से बच्चे करते हैं और जो अधिगम अवसरों में लचीलापन लाता है मतलब कि जैसा अभी हमने बताया कि ये इंडिविजुअल करे ग्रुप में करे कहीं बैठ के करे, करे घर में करे स्कूल में किसी एनी टाइम एनी वेयर इसमें करेंगे तो वर्चुअल लैब का ये बहुत बड़ा फायदा है तो हाँ, कई बार पूछा जाता है वर्चुअल लैब की जरूरत क्या है प्रयोगशाला की तो भूमिका है वो वर्चुअल लैब कैसे हटा सकता है तो या तो भौतिक रूप से कोई लैब हो या वर्चुअल लैब हो सभी में क्या है कि जो लर्निंग आउटकम का जो क्वालिटी है वो तो बढ़ता है ठीक है ना? और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप क्रिटिकल थिंकिंग है क्रिएटिविटी है कोलिबरेशन भी है रीजनिंग है एनालिसिस है थिंकिंग है और प्लानिंग है प्रेडिक्शन है हाइपोथेसिस है ये सारे क्रियाएँ सोचने की जो सारी क्रियाएँ हैं इनका विकास होता है और समालोचनात्मक सोच का भी विकास होता ऐसा क्यों हुआ अगर हम आ, सभी सभी मटेरियल का जितने भी मटेरियल हैं सॉलिड क्या सबका कुछ रेजिस्टेंस होता है क्या सबका कुछ डेंसिटी होता है क्या सब सब मटेरियल क्या इंसुलेटर होते हैं कौ, कौन से मटेरियल इंसुलेटर होते हैं क्या रीज़न है कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर है इंसुलेटर है कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर है सब्सटेंस का तो ये सब ना सब जो कंसेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग होती है और पूछताछ कौशल का विकास होता है और एक और सबसे बड़ी बात है जो कि वर्चुअल लैब में है ये तो ये तो बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है जैसे कि अगर बर्नर जल रहा है और क्लास में अगर मान लिया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से काम कर रहे हैं तो टीचर को बहुत ही केयरफुल होना रहना होता है या भारी वेट से काम कर रहे हैं तो शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना होता है कि कहीं किसी बच्चे का uh, कुछ नुकसान नहीं हो सेफ्टी मेजर ज़्यादा लेना है लेकिन अगर ये वर्चुअल लैब है तो बर्नर जला या कितना भी भारी वेट लगा दिया हमने पचास के उससे कोई नुकसान नहीं होगा तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चे फिर उपकरण को कुशलतापूर्वक काम में लाने को सीख जाते हैं और उनका उनका जो इंटरेस्ट है रुचि है वो भी बन जाता है तो अपने आप जो करके देखते हैं ना तो बच्चे क्या स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट लर्नर अपना अपने आप ही स्वतंत्र रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं वो क्या करेंगे कि क्या क्या हमारी लर्निंग होगी ये चीज़ जानने के लिए बच्चे खुद ही प्रयासरत्न हो जाते हैं यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का केवल एकमात्र तरीका नहीं है कि किताब से पढ़ा जाए बिल्कुल सही है। और ये वर्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो नियर टू रियलिटी है ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली जैसा ही है बिल्कुल वैसा ही लगता है हम चाहेंगे इनके उद्देश्यों से भी आप हमें रूबरू कराएं हाँ ये जो विज्ञान शिक्षा शास्त्र की पाठ्य पुस्तक हमें सुझाव देता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो एक्चुअली वर्चुअल लैब हम केवल साइंस में या मैथ्स में ही नहीं कर सकते हैं सभी विषयों में कर सकते हैं और बहुत सारे जो विषयों के बहुत सारे प्रयोग हैं वर्चुअल लैब वो दीक्षा पे दीक्षा पोर्टल पे अपलोडेड है लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट हो कोई भी सब्जेक्ट हो जो हमें स्किल्स डेवलप करना है जो कैपेबिलिटी जो क्षमताएं डेवलप करनी है वो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी डेवलप करनी है और विज्ञान की प्रक्रिया विज्ञान की प्रक्रिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक्चुअली ये आ, नाम से लगता है कि केवल विज्ञान के लोगों को ही समझना है विज्ञान के विद्यार्थियों को ही लेकिन एक्चुअली देखें तो ये सभी सभी विषयों में ये आवश्यक है पढ़ने के लिए संकल्पनाओं को समझने के लिए और ज्ञान की प्रकृति विज्ञान की या किसी भी ज्ञान की प्रकृति की समझ का भी हमें ये एक द, एक हमें सुझाता है कि क्या है विज्ञान की प्रगति विज्ञान की प्रकृति या गणित की प्रकृति या सोशल साइंस की प्रकृति या लैंग्वेज के जो लैब हैं तो लैंग्वेज की क्या प्रकृति है इसके बारे में बताता है तो विज्ञान की प्रकृति प्रकृति के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे तो इसका जो प्रयोजन है तो निश्चित रूप से वैचारिक समझ तो बढ़ाता है और प्रासंगिक अवधारणाओं को एकीकृत -एक कर देता है अब जैसे कि अभी हम लोग डेंसिटी की ही बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हमें लैब में दो मटेरियल मिला एक लोहे का मिला बॉल और एक लकड़ी का मिला इसका ही डेंसिटी होता है वो अपने आसपास की वस्तुओं के डेंसिटी के बारे में भी बच्चे उसका अनुमान लगाना सीखते हैं हाइपोथेसिस बनाते हैं परिकल्पना बनाते हैं भविष्य कथन बताते हैं और करके देखते हैं क्या कि इसको इसको देखा जाए अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ वस्तुओं के साथ अपनी अवधारणाओं को वो एकीकृत एक करते हैं विभिन्न उपकरणों से भी परिचित होते हैं तो अभी तक हमने देखा कि हम वर्चुअल लैब का प्रयोग क्यों करें कि ये देखिए लर्नर सेंटर्ड है कम समय में बच्चे सीख जाते हैं और क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कुछ बच्चे धीरे धीरे बार बार करके सीखते हैं तो बच्चे अपनी गति से वो सीखते हैं और इन्हें मतलब आकर्षक भी लगता है इंटरेस्टिंग लगता है और अगर इन्हें मालूम होता है कि अच्छा ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि लोहे का घनत्व सेवन पॉइंट एट या इसके राउंड होता है हमने करके देखा तो इतना ही आया तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अच्छा ठीक है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ये स्टायरोफोम का डेंसिटी कम है लकड़ी का उससे ज़्यादा है लोहे का उससे ज़्यादा है सोने का क्या उससे ज़्यादा है करके देखते हैं और ऑफ़ कोर्स शिक्षण अधिगम को लचीलापन बनाता है मतलब कि आप सवाल जवाब कीजिए अपने आप बच्चे इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे पहल करते हैं कि हम ऐसा करके देखें और एक और बहुत बड़ी बात है कि समानता तथा समता को प्रोत्साहित करता है अब आ, एक चीज एक उदाहरण से इसे देखते हैं देखिए ये उदाहरण के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपकी स्क्रीन हाँ, पर हाँ, है।, है जैसे कि ओ लैब है ये दीक्षा पोर्टल पर भी है ये ध्वनि का परावर्तन का अध्ययन करना तो ये जो वर्चुअल लैब है देखिए इसमें कितने सारे कितने सारे एस्पेक्ट इसमें डिस्कस किए हुए हैं सबसे पहले देखिए सिद्धांत पे हमने क्लिक किया तो सिद्धांत क्या है कौन सा सिद्धांत पे ये परावर्तन का नियम हम करेंगे तो परावर्तन क्या है परावर्तन ये है कि अगर दो अलग माध्यम से जिससे बिंदुपथ मतलब कि एक जगह एक माध्यम से टकरा कर जब लौटती है तो क्या यही परावर्तन है क्या ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही होता है क्या ध्वनि भी तरंग की तरह काम करती है ध्वनि भी तरंग होता है आ, द, क्या आप जानते हैं ध्वनि कैसे फैलता है तो इससे पता चलेगा ध्वनि के परावर्तन का क्या वर्णन हम कैसे करें कौन सा तरंग आपतित किरण है कौन सा परावर्तित किरण समझा जाए तो इसमें हम एनिमेशन देखते हैं पहले एनिमेशन में देखिए एनिमेशन में किया हुआ है इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे यहाँ पे हमें दो पाइप है और यहाँ पे प्रोटेक्टर भी है यहाँ पर देखिए दो पाइप है अभी हम पाइप को यहाँ पर 20 डिग्री के कोण पर बाई और ट्यूब एक के निचले सिरे पर ले जाएं अब क्या हम इसको भी ले जाएं यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि क्या करना है तो अब अब हमने एक एक पाइप से ध्वनि का आपतन हो रहा है और दूसरे पाइप से ध्वनि का परावर्तन हो रहा है कैसे हो रहा है पीछे एक सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये वेव के फॉर्म में दिखाया गया है सिर्फ धोनी को तो इस तरीके से देख नहीं सकते बच्चे लेकिन यहाँ पर इस एब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुलाइज़ करने में बच्चों को मदद मिला है तो एंगल का क्या आ, मान है तो और कितने टाइम में यहाँ से यहाँ आता है तो ये घड़ी से मेज़र करेंगे और साथ में ये नोट भी करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में तो आपने यहाँ देखा कि बच्चे अपने आप ही इसको एंगल किसी एंगल पे रख सकते हैं बीस पे तीस पे और अगर दूसरे जो परावर्तित ध्वनि तरंगों को लेने के लिए अगर एंगल बराबर नहीं होगा तो इधर वेव आता हुआ दिखता ही नहीं है तो इस तरीके से बच्चे करके देखते हैं और देखते हैं कि हमेशा एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर होता है तो ये देखिए और इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चे प्रेजेंट करते हैं क्या सभी एंगल पे होता है और ये किस चीज़ से पाइप बनाए क्या हमको क्या हम इसे रियल लाइफ में कर सकते हैं इसको तो ये ये चीज बच्चों को पता चलता है ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है बच्चे करके इसको देख सकते हैं तो हम वापस इस पे आए इनके पेडागोजी पे कि और ये भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है हाँ वर्चुअल लैब का वर्चुअल लाइफ के बहुत सारे उपयोग हैं देखिए एक तो की है कि एक्सपेरिमेंट करना है प्रयोगशाला का कार्य करना है दूसरा ये है कि हम टीचिंग लर्निंग लर्निंग में जिस समय हम थ्योरी की पढ़ाई करा रहे हैं कि, कि, किसी भी क्लास में और रेलेवेंट हम आ, उसको यूज़ कर लें जो प्रयोग हैं उस उसे हम आ, पहले से इकट्ठा करके रखें तो टीचिंग लर्निंग में हमें फ़ायदा देता है इंक्वायरी में फ़ायदा करता है और बच्चे का अगर टेस्ट करना है अगर मान लिया कि ऑब्जर्व ऑब्जर ऑब्जर्वेशन उब्जर्व, टेबल बच्चों ने सही बनाया सही से कैलकुलेट किया और अगर बच्चे को हम इसे होमवर्क भी दे सकते हैं प्रैक्टिस भी दे सकते हैं या फिर हम केवल इसका डिमोस्ट्रेशन दिम, दे सकते हैं और बच्चों से पूछे कि क्या होगा जिसे भविष्य कथन प्रेडिक्शन बोलते हैं साइंस में वो करें तो जिससे उनके सोचने की क्षमता बढ़ती है और ये बच्चे इसे आ... या तो इसमें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की तरह भी ले सकते हैं इंडिविजुअल कर सकते हैं और कई बार बच्चे आपस में बातचीत करके अपने साथियों से पेयर ग्रुप से बातचीत करके बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं और लेकिन ये बात है कि टीचर का मेडिएशन बीच में मध्यस्थता टीचर की ज़रूरी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों की गलत अवधारणाएँ बन रही है तो उनकी इसलिए अवधारणाओं की खोज पड़ताल में टीचर को सह शिक्षार्थी बनना बहुत आवश्यक है मतलब हम ऐसे गाइड या ऑथोरिटी नहीं बने बच्चों के साथ हम हम भी सीख रहे हैं बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी में हम अपने को व्यस्त रखें और उनके वर्तमान विचारों को उनके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसके बारे में उन्हें बोलने का मौका दिया जाए और साथ ही साथ जो उनके विचार हैं तो वो ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ भी सवाल करें और हम हमारा हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी ऑब्वियसली जो उनके सवाल हैं हमें ऐसा माहौल बनाना है अधिगम का कि वो लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड हो उसी ओर हो मतलब फोकस करें और यह भी एक स्किल है कि बच्चों के बच्चों की क्यूरिसिटी उस दिशा में हम कैसे ले जाएँ बिल्कुल और वो जब हम वर्चुअल लैब का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए क्या शैक्षणिक दृष्टिकोण होना चाहिए इससे जुड़ा हुआ हाँ हाँ ये भी बहुत ही बहुत ही रिलेवेंट सवाल है कि अगर हम सीधा बोलेंगे कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो तो उसका जो पेडागोजिकल वैल्यू है वो हमें नहीं प्राप्त होगा तो ऑब्वियसली ये हमें पूछताछ पे आधारित होना चाहिए और एकीकृत होना चाहिए और साथ ही साथ ना ये कोलेबोरेटिव होना चाहिए कुछ बच्चों का ग्रुप हो टीचर हो साथ में डिस्कशन हो और साथ ही साथ जो असेसमेंट है वो बिल्कुल आपस में गुथा होना चाहिए इंटरविंट होना चाहिए कि उनके मन में जो अवधारणाएँ बच्चों का निर्माण हो रहा है तो क्या सही दिशा में जा रहा है और साथ ही साथ बच्चों को सोचने के लिए हम चिंतनशील माहौल बनाए जिससे कि बच्चे जो हैं वो सवाल जो कर रहे हैं वो, वो उनके तरफ से आए और वो अगर जो भी सब्जेक्ट का हो तो वो साइंटिफिकली कंसिस्टेंट हो मतलब कि लिटरेचर का है तो लिटरेचर से संबंधित लिटरेचर पे फोकस्ड हो ऐसे सवाल करें वो उस तरीके के सवाल करना भी एक स्किल है जो बच्चों को कौशल है जो बच्चों को सीखना ज़रूरी है और इसके माध्यम से हम किस तरह से बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं हम असेसमेंट भी कर सकते हैं हाँ। आ, कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस रेट है उसके बारे में भी हमें और बताइए जो बच्चों का हम अवलोकन अवलोकन तो करते ही हैं और साथ में जो मूल्यांकन करते हैं तो जो हमारा बेसिक है आ, जो ब्लूम का रिवाइज टैक्सोनोमी है एंडरसन के अर्थवाल की जो टैक्सोनोमी है कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग स्मरण समझ प्रयोगीकरण विश्लेषण मूल्यांकन और सर्जन तो ये जो थिंकिंग के अलग अलग लेयर हैं जैसे कि स्मरण करना तो फिर भी बच्चे बता देते हैं सर्जन करना इसमें हायर हायर ऑर्डर की थिंकिंग है तो ये सभी तरीके के सवाल करने चाहिए ये जब हम असेसमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हर एक तरीके के सवाल पे हम लोग ध्यान दें ये बहुत ज़रूरी है तो अब हम एक चीज़ देखना चाहेंगे यहाँ पे कि एक एग्जांपल और हमारे दर्शक भी हमारे साथ कोशिश कर सकते हैं आप भी अगर अपने लैपटॉप्स आपके पास हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीनस हैं तो आप भी कोशिश कीजिए हाँ आप डेंसिटी और फेट पी एच ई टी अगर टाइप करेंगे तो ये आपका स्क्रीन खुल जाएगा तो देखिए इसमें तीन विंडो है अब इसमें क्या है ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है जैसे हम पहले ये जो कराने के लिए एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पहले एक्सप्लोर करने देते हैं अगर हम पहले ये सब बता देंगे कि आप ऐसा करो इसको इसको डुबाओ तब इसका वॉल्यूम निकालोगे इसका डेंसिटी है तो फिर वो बच्चों की जो जो क्रिएटिव थिंकिंग है और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो नहीं डेवलप होगा तो बच्चों को इस एक्सप्लोर करने दें और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है वर्चुअल लैब का क्योंकि इसमें टूट फूट या बर्बाद होने का डर नहीं है तो अभी जैसे कि ये मान लिया कि आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए दो के जी का कुछ मटेरियल लकड़ी है यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़ी है ठीक है ना तो दो के जी इस, इसका है और जब हम इसको लिक्विड में डुबा रहे हैं मान रहे हैं कि पानी है तो दो के जी इसका इसका द्रव्यमान है और जब पानी में डुबाते हैं तो पहले सौ में सौ लीटर था अब एक सौ लीटर हो गया तो पानी में डुबाने पर कितना विस्थापन हुआ पाँच लीटर हुआ है ना तो अभी इसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे जैसे घनत्व जानते हैं ना डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं ठीक है तो तो इकाई आयतन के द्रव्यमान को तो मास पर यूनिट वॉल्यूम टू अपॉइंट फाइव आप करें तो इसको कैलकुलेट करें टू अपॉइंट फाइव कितना आया ज़ीरो पॉइंट फोर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया ज़ीरो पॉइंट फोर ठीक है अब इसे हम हटाते इसको हटाते हैं कोई दूसरा मटेरियल लाते हैं इसमें हम उड की जगह पे ब्रिक ले आ रहे हैं ठीक है तो ब्रिक ब्रिक को जैसे ही हमने पानी में डाला तो ये आ, बिल्कुल और उदाहरणों के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों इससे जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं और मैम हम चाहेंगे कि हम थेरेटिकल एस्पेक्ट पर एक बार फिर से बात करें और फिर उदाहरण के माध्यम से अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हाँ। आ, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि पावर पॉइंट पर हम फिर से चलते हैं ठीक है और पावर पॉइंट के माध्यम से जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं अलग अलग आयाम हैं आभासी प्रयोगशालाओं से जुड़े हुए उनके बारे में हम अपने दर्शकों को अधिक विस्तार से बताते हैं और जैसा कि आपने बताया अभी था कि कई चरण भी हैं इससे जुड़े हुए कई सेशंस भी हैं उसके बारे में भी आप बताइए हाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें आ, हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि एक्सपेरिमेंट करने के एक्सपेरिमेंट कराने के जो जिसे हम बोलते हैं कि जो पेडागोजी है इसका तो हम लोग ऐसा करते हैं कि प्री लैब सेशन और पोस्ट लैब सेशन जी जी प्री लैब सेशन और पोस्ट लैब सेशन इसको देखते हैं हम uh. कोई भी जब हम वर्चुअल लैब हम करवा रहे हैं तो हमारे विद्यार्थियों का क्या रोल रहेगा और टीचर का क्या रोल रहेगा हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं तो बच्चों को जैसे बोलते हैं कि क्या क्या टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं अभी हमने घनत्व की बात की तो क्या उसका उसकी परिभाषा क्या घनत्व से आप क्या समझते हैं क्या सिद्धांत है क्या यूनिट है क्या के जी के जी पर क्यूबिक मीटर है या पर या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है या किसके लिए सॉलिड के लिए क्या है यूनिट है लिक्विड के लिए क्या यूनिट है तो ऐसा SI यूनिट क्या है प्रैक्टिकल यूनिट क्या है ये सब वो बच्चे पढ़े ठीक है प्रश्न तैयार करें घनत्व के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं बच्चों से विचार पर मंथन करें और उसके प्रयोग की योजना बनाएं हम और साथ ही साथ बच्चे जो है डिज़ाइन पे चर्चा करें और भविष्य कथन बताएं मतलब कि जैसे अगर ईंट को ईंट के ब्लॉक को डुबाएंगे तो पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा लकड़ी डूबेगा कि नहीं डूबेगा इसी तरीके से और कई मटेरियल दिया शीशा डूबेगा कि नहीं डूबेगा और केवल इतना ही नहीं घर में भी जो मान लिया कि घर में भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल हैं उसके लिए भी आप प्रिडिक्शन करें कि ये सब्जी डूबेगी या या फ्लोट करेगा एप्पल डूबेगा ऑरेंज डूबेगा ऑरेंज को छिलके के सहित तो अगर हम पानी में डालें तो डूबेगा और अगर खोल के डालें छिलका खोल के डालें तो डूबेगा कि तैरेगा क्यों होगा बर्फ़ के टुकड़ा डालेंगे तो पूरा का पूरा डूब जाएगा या फ्लोट करेगा या थोड़ा डूबेगा थोड़ा फ्लोट करेगा ये ये सब ये सब भविष्य कथन बताएँ और सिमुलेशन का अपने आप अन्वेषण करें जैसे अभी हमने देखा कौन कौन से बटन है किस बटन को करने से क्या होता है बच्चे उसको करके देखें और शिक्षक की जो भूमिका है कि जो उनके अवधारणा है प्री असेसमेंट करें कि बच्चे क्या जानते हैं इस जैसे घनत्व के बारे में बताया या अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है या फिर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो क्या जानते हैं बच्चे इसके बारे में और चुनौतीपूर्ण प्रश्न से शुरू करें तो बच्चों की थिंकिंग डेवलप होगी जैसे कि क्या लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन ध्वनि के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि लाइट के लिए लाइट के लिए क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों क्या आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे कि अलग अलग तल में होंगे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है ये सब बातें बच्चों से पूछे तो फिर बच्चे अपने आप एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ जो ये ज़रूरी है कि लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड जो कार्य है ना उसको चयन करने में बच्चों को मदद करें क्योंकि कई बार शिक्षक ये बताते हैं कि हम अगर एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा तो हम इस बात को मान के चले देखिए कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वर्चुअल हो फिज़िकल हो तो हमारा एज ए टीचर हमारा ही काम आसान होता है हमारा काम क्या है बच्चे समझे अवधारणाओं की समझ हो उन्हें उन्हें वैचारिक दृष्टिकोण पैदा हो समझदार बने अच्छे इंसान बने तो ये सब काम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी क्वालिटी उनमें अपने आप होता जाता है एक तो ये है और दूसरा कि हमारा बच्चे क्या है कि अपने आप ही करके बहुत सारे सीख जाते हैं सिमुलेशन में बहुत सारी अवधारणाओं को सीख जाते हैं तो हमारा काम ये बहुत ही आसान बना देता है और अब अगर, अगर जब जब काम कर रहे हैं बच्चे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस समय क्या है एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है पहला था एक्सप्लोरेशन स्टेज दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन uh, स्टेज इसमें हमें इस बात का ध्यान रखें कि सिमुलेशन कर रहे हैं तो ठीक तरीके से कर रहे हैं थोड़ा तो गाइडेंस हमें देना होगा थोड़ा तो करके अगर हम हिंट दे सकते हैं कि क्या आप दूसरा मटेरियल चूज़ करें हम और एक और उसमें बटन है कि सिमुलेशन वाला मत, आ, कस्टम वाला मतलब कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या सबका मास हम आ, एक ही रहेगा तो क्या डेंसिटी एक सबका बराबर रहेगा या डेंसिटी बराबर है तो क्या वॉल्यूम सबका बराबर होगा ये सब सवाल हम करें और साथ ही साथ जो हम एक्सपेरिमेंट जो भी हम देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें अगर अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करें और साथ ही साथ डेटा को प्रस्तुत करें एक जो आ, एक जो परंपरा चली आ रही है कि ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना के देते हैं कि आप इसको ऐसे ही करो और यही यूनिट लिखो और इसी तरीके से चार कॉलम बनाओ इस परंपरा को छोड़ने की ज़रूरत है अगर बच्चों में हम क्रिएटिविटी कुछ डेवलप करना चाहते हैं आप बताइए कि वो हमने क्या देखा और क्या सीखा और आपका कितना जो भी जो भी रिजल्ट आया जो भी ऑब्जर्वेशन आया क्या आपको लगता है कि इसको दोबारा करने की ज़रूरत है अपने साथियों से चर्चा कीजिए उनके ऑब्जर्वेशन से आप कंपेयर कीजिए तो क्या है ना कि बच्चे फिर लिखना सीखेंगे अपनी भाषा में बोलना सीखेंगे और ये जरूरी है अगला जो है हमारा सम्प्रेशन तीसरा स्टेज है पोस्ट सेशन जो कि कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि ओरल हो सकता है रिटन हो सकता है डिजिटल हो सकता है अभी डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बच्चों को सीखने की बहुत ही आवश्यकता है और अलग अलग फॉर्म है डिजिटल के भी और रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ़ डिजिटल डिवाइजेज डिजिटल इन्फॉर्मेशन ये भी सीखने की ज़रूरत है तो बच्चे इस बात को सीखे और साथ में जो अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लास में तो सही तरीके से सही तरीके से सावधानी के स्रोतों को बताए अवधारणा के अवधारणाओं को किस तरीके से वो क्लियर करे ये सारी बातें वो तो ये चीज बहुत ही और मैं, आप है। कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से भी हमारे एक वो... एक एक्सपेरिमेंट हम दिखाना चाहेंगे बिल्कुल आ, जब तक एना अगर मैथ्स का बता रही है तब आ, मैं इसको देखती हूँ अभी और मैम एक एक्सपेरिमेंट आप पहले भी डिस्कस कर रहे थे हमारे दर्शक उसे देख नहीं पाए थे हम चाहेंगे कि यदि फिर से हमारे दर्शकों के लिए आप उसे साझा करें हमारे साथ जिसमें हम डेंसिटी की बात कर रहे थे हाँ जी अभी मुझे लगता है कि अब विजिबल है ठीक है ना तो देखिए ये पानी में डुबा करके दस के जी है और इसका पाँच लीटर इसका वॉल्यूम है तो इसका डेंसिटी देखिए अपने आप यहाँ पर विजिबल हो गया टू के जी अब क्या है अब दूसरा स्क्रीन खोलते हैं दूसरे स्क्रीन में देखिए ये दिया हुआ है कि सेम मास हो तो अलग अलग मटेरियल है और अलग अलग मटेरियल का आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अलग अलग है अब इसको करके देख सकते हैं बच्चे कि अलग अलग है अब दो वस्तुओं को डुबाने पर आ, कितना इसका वॉल्यूम वाटर का वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसको मेज़र करें और ये जो है आरंभिक आ, आरंभिक आयतन जल का और आ, ये जो लास्ट में हुआ आ, अंतिम आयतन ये दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा इसी तरीके से सेम वॉल्यूम अगर ले तो देखिए सेम वॉल्यूम लिया लेकिन सबका मास अलग अलग है और अगर हम केवल ऐसे वरली बोल के बताते हैं बच्चों को तो वो बात बच्चों कई बच्चों को मुश्किल होती है आप यहाँ पर देखिए ये सिमुलेशन से पता चल रहा है ये आठ के का मटेरियल है ये दो के का है लेकिन इसका साइज तो वॉलूम तो एक है और इसका दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग है घनत्व का वो क्या मान लिया कि एक रूम है और यहाँ लोहे का सामान भरा हुआ है तो हमें यह मालूम करना है कि कितना इसका मास होगा ठीक है ना तो अगर हम लोहे का घनत्व तो जानते हैं और उसका हम आयतन उसका घनत्व तो जानते हैं और आ, उसका वॉल्यूम हमने यहाँ मेजर कर लिया अगर रूम में भरा हुआ है तो रूम का वॉल्यूम बराबर आ, लोहे का तो उसका मास हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना आ, टन लोहा है यहाँ पे या कोई भी चीज़ प्लास्टिक है तो उसका क्या है तो जो मास एस्टिमेशन है हम लोग कर सकते हैं इस फॉर्मूला से एक चीज़ और इसमें देखेंगे ये जो है ये तीनों का मिला करके फर्स्ट सेट सेकंड सेट अगर तीनों को हम मिला करके देखते हैं तब फिर कैसा होता है कॉम्बिनेशन और इसमें जो बच्चों की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होती हैं अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो जो ये फ्लोट हो रहा है उपला रहा है ऊपर तो इसको हमें पानी में डुबा कर ही ऑब्जर्वेशन लेना है एक्सपेरिमेंट का स्किल है और साथ ही इसी के साथ जो वर्चुअल लैब का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्लास सिक्स से लेके इसे क्लास एलेवन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे इसमें आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल ले आएंगे थोड़ा आगे जा कर के ठीक है अभी तो केवल वाट सिंक्स वाट फ्लोट्स ये कर रहे हैं फिर इसके बाद हम बॉय फोर्स ले आएंगे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बायन फोर्स में कौन सा फोर्स ज़्यादा है कि डूबेगा या नाव शिप जो है नाव है क्यों नहीं डूबता है लोहे का बना है अगर क्वाइन रखा है तो डूब गया तो इस तरीके के सवाल हम बच्चों से कर सकते हैं और आ, साथ ही इसमें एक और बहुत आ, बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी बच्चे कर सकते हैं वो ये कि अगर हमारे पास दो बैलून है सिमिलर एक में हवा भरा है एक में पानी भरा है तो कौ, किसका डेंसिटी ज़्यादा है कौन से बैलून का डेंसिटी ज़्यादा है अगर उसका वॉल्यूम एक ही है तो मतलब हम देख लें वॉल्यूम एक ही है तो है ना तो डेंसिटी का एक जो जो समझने के लिए उसकी अवधारणाओं को समझने के लिए इस तरीके के छोटे मोटे एक्टिविटी भी कर सकते हैं और ये दूसरा है एनर्जी के फॉर्म इसका भी थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि इसमें देखिए अभी हमने बात की थी कि देखिए जल को हमने रख दिया और बादाम का तेल है ठीक है और इसको हमने अभी क्या किया हमने हीट कर रहे हाँ हीट कर रहे हैं ऊर्जा का चिन्ह और संलग्न भट्टी ठीक है तो और साथ में थर्मामीटर ले आए हम इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो अभी जब हमने इसमें गर्म किया देखिए जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ना ये एक्चुअली हमें हीट एनर्जी का एक मॉडल है ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी हमें एक स्क्वायर स्क्वायर सा होता है मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके किस तरीके से देखिए पानी भाप बनने लगा और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें देखिए हाथ जलने का डर नहीं है लेकिन इससे हम क्या कंसेप्ट दे सकते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है ठीक है और साथ ही स्पेसिफिक हीट क्या होता है दोनों में बराबर जा रहे हैं हमें हीट बराबर दे रहे हैं लेकिन दोनों में हीट एनर्जी अलग अलग जा रही है अब इसी तरीके से इसमें जो एक और है बहुत अच्छा सिमुलेशन है इसमें भी हम बता सकते हैं एनर्जी कैन एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड यह केवल के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं तो अब देखिए कि ये मैकेनिकल एनर्जी है ठीक है ना मैकेनिकल एनर्जी से हमने बढ़ा दिया अभी इसका तो ये क्या होगा इसका टेम्परेचर देखिए बढ़ने लगा पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा भाप बन गया इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी अब कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया अब इसको हटा के ना हम यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे अगर मान लिया कि यहाँ पे पानी लगा दिया सॉरी अभी ये हाँ अभी हमने इसको पानी को गर्म किया ठीक है तो ये भाप बना और ये ये जो वाटर व्हील है चलने लगा अब वाटर व्हील से फिर से ये पानी गर्म हुआ इसको हम यूज़ कर सकते हैं तो हम इसमें अलग अलग जो नॉब है अलग अलग जो बटन है अलग अलग तरीके से सिमुलेशन करके हम ये सीख सकते हैं कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म हैं हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी है सोलर एनर्जी है, है और कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही क्या एनर्जी वो कहीं गायब हो रहा है कुछ कुछ एनर्जी जो है अब आगे थर्मोडाइनमिक्स जब हम पढ़ाएंगे आगे क्लास में एलेवेंथ में ट्वेल्थ में तो हम ये बोलेंगे कि क्या सभी एनर्जी को क्या टोटल जो हीट एनर्जी दे रहे हैं क्या पूरा ये हीट एनर्जी में इधर कन्वर्ट हो रहा है कुछ एनर्जी जो है अनयूजेबल फॉर्म में जिसका कि हम उपयोग नहीं कर सकते हैं ऐसे फॉर्म में होता है तो यहाँ पर इस बात पे हमें कन्विंस होना ही पड़ेगा कि जो वर्चुअल लैब है बहुत ही हेल्पफुल है और आपके पास एक दो ऐप है जिसको कि क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक आप, आप ये आपकी क्रिएटिविटी है कि उसको किस तरीके से कौन से आ, कौन से कॉन्सेप्ट से आप उसको रिलेट करें और बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें बिल्कुल तो वर्चुअल लैब के बारे में भी हमने विस्तार से समझा और साथ ही दर्शकों हमने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे साइंस से जुड़े हुए जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आभासी प्रयोगशालाएँ हमें बिल्कुल रियलिटी का एक्सपीरियंस देती हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए मैंशन किए गए हैं आप आसानी से इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी आपकी मदद कर रहे हैं कि किस तरह से आप इन आभासी प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल करें और ये एक्सपीरियंस आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं अध्यापक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि ये हमारी ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला का दूसरा दिन है तो हम अपने अपने आगामी सत्रों में हम अलग अलग विषयों के बारे में विस्तार से बात भी करेंगे और अभी हमारे पास दस मिनट का समय शेष है अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और विज्ञान के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हमने कई कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी तो चलिए हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से उनका एक्सपेरिमेंटेशन भी वर्चुअल लैब्स के माध्यम से संभव करने की कोशिश की गई है और उसके लिए हमारे साथ जी जुड़ी हुई हैं जी जी इसी के साथ साथ हम एक और सब्जेक्ट देख सकते हैं जैसे गणित है गणित में हम कोई भी अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो वो हम कैसे सिमुलेशन के थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट समझा सकते हैं बच्चों को तो उसी के लिए ही मैंने क्लास एलेवेंथ का एक टॉपिक लिया है आप लोग देख सकते हैं तो ये राइट हैंड साइड पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट है इसमें जो थर्ड टॉपिक है आपका सेट थेटिक ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन में देखेंगे तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन रिसोर्सेज में हम देखेंगे यहाँ पे ये लिंक ओपन होगा तो इस टॉपिक में जैसे बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है कि वेन डायग्राम्स अगर हमें एक्सप्लेन करना है क्लासरूम में या टीचर्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर वो को, कोई भी डायग्राम अगर क्रिएट करना है तो वो प्रॉपरली uh, नहीं बना पाते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल लैब्स वो ईजिली बता सकते हैं कि कोई भी अगर सेट है आपका टू uh, सेट्स अगर आपको दे रखें तो उनके बीच में आप कैसे कोई भी रिलेशनशिप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं आप तो उसके लिए हम देखते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसमें यह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिप्रेजेंट करना सेट थेटिक ऑपरेशन यूजिंग वेन डायाग्राम तो वेन डायाग्राम्स हम देख सकते हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकें और जो बच्चे हैं इसको यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें विजुअली उसे ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको आ, उसका जो रिलेशनशिप है ईज़िली बता सकें तो यहाँ पर हमें जो है डेफिनेशन दी हुई है सेट एंड सेट ऑपरेशंस की और उसके साथ साथ हमें ऑपरेशंस दिए गए हैं जो ऑपरेशंस हम यहाँ सिमुलेशन में सीखेंगे फर्स्ट uh, जो हमारा सिमुलेशन जो हमारा रिलेशन है वो है ए यूनियन बी हम देख पा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ़ सेट्स यहाँ पे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ सेट्स हमें गिवन है तो यहाँ पे अगर हमें दो अगर ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं जैसे कोई भी आइडियाज़ है या प्लेसेस हैं या पीपल है या उनकी चॉइसेस हैं तो अगर उनके बीच में आप रिलेशनशिप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक को आप पढ़ा सकते हैं तो इसी के लिए यहाँ पर सिम्यूलेटर हमें दिया हुआ है सिम्यूलेटर पर हम एक्सेस करेंगे सो so, जनरल जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एक्सपेरिमेंट ये हमें गिवन है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से बच्चा जो है कोई यूनिवर्सल सेट जो है ड्रॉ करना हो तो वो इजीली ड्रॉ कर सकता है नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में जान सकता है अगर उन्हें सर्कल्स ड्रैक करने हैं या ड्रॉ करने हैं वो भी एक सिंपल क्लिक की मदद से उसको आप जनरेट कर सकते हैं और सर्कल्स को अगर हाईलाइट करना हो कलरिंग करना हो या कोई जो कॉमन उनके बीच में पार्ट हमें दिखाना हो तो वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं और कोई भी जो आपका सिलेक्टेड ऑपरेशन हो वो आप यहाँ पर इसमें शो कर सकते हैं तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं फर्स्ट uh, जैसे ए यूनियन बी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो जनरली क्लासरूम में जो टीचर्स होती हैं वो एक ही रिलेशन एक ही पीरियड में बता पाती हैं बच्चों को इजीली एक्सप्लेन कर पाती हैं लेकिन विद दी हेल्प ऑफ दिस सिमुलेशन वो काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पे बता सकती हैं तो हम इसमें से आ, देख सकते हैं ए यूनियन भी अगर हम फर्स्ट ये रिलेशन देखना चाहें तो एक सिंगल क्लिक की मदद से एक टीचर क्लासरूम में बताएगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है सिंपल क्लिक किया और एक ये यूनिवर्सल सेट बॉक्स हमारे पास आ चुका है एम सेट हमें क्रिएट करने हो तो ए और बी हम देख सकते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी एम हैं है हाईलाइट कर सकते हैं हम इसमें हाईलाइट के लिए आप इसमें नीचे कलर ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ये बता सकते हैं कि ए यूनियन बी पार्ट जो है यानी इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो कौन सा पार्ट आपका हाईलाइट होगा इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अगर क्लासरूम में टीचर इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहती है तो वो भी यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से वो एक एग्जाम्पल जनरेट कर देंगे एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि जैसे यूनिवर्सल सेट हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और यूनिवर्सल सेट ए के लिए भी वैल्यूज़ दी हैं बी के लिए अगर ए और बी दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्व टेन एंड सेवन और उसके साथ साथ अगर यूनिवर्सल के यानी ए यूनियन बी के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा ये एक सिंगल क्लिक से आपने ये पूरा ऑपरेशन जो है बता दिया है नेक्स्ट ऑपरेशन भी आप क्लिक क्लिक करके उनको बता सकते हैं जैसे ए इंटरसेक्शन बी यानी अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कुछ कॉमन बताना है तो उसके लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे यूनिवर्सल सेट पे क्लिक किया हमने एम सेट्स हमारे पास आ चुके हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हमने ये यहाँ पर कलर किया है कि ए और बी ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट है जो कॉमन है तो जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पर बच्चा इजीली क्रिएट कर सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन पार्ट है यानी जो कलरिंग वाला पार्ट है वो कॉमन है उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू यानी यहाँ वैल्यूज़ भी ले सकते हैं तो टीचर इसको ईजिली सिंगल क्लिक से एक ऑपरेशन बता सकती है सो so ऐसे ही हमारे पास काफ़ी ऑपरेशन हैं हम यहाँ देख सकते हैं तो एक सिंगल नेक्स्ट ऑपरेशन पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ इवेलुएशन में जो बच्चे ने ये टॉपिक सीखा है इस टॉपिक के जो भी आंसर्स हैं ए यूनियन बी जैसे ए और बी को मिलाकर ए यूनियन बी बनता है तो उनकी जो वैल्यूज़ है उनका जो आंसर है वो बच्चा यहाँ पर क्लिक कर सकता है टीचर उसका बच्चे का सेल्फ इवैल्यूएशन ले सकती है और वो आंसर्स क्लिक करने के बाद अपने रिस्पॉन्सेज़ यहाँ सबमिट कर सकता है अगर एट ए टाइम उनको रिजल्ट भी मिलेगा कि उनका जो आंसर था वो ठीक है या नहीं है आगे रेफरेंस है जैसे आ, हायर क्लासेस के लिए हमें रेफरेंस बुक्स और हमें और उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लोर करना पड़ता है हमें तो उसके लिए रेफरेंस भी यहाँ पे मौजूद है और एक उसके साथ साथ एक फ़ीडबैक फॉर्म है जो कि टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स उसको फीडबैक फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाया गया है क्या वो कॉन्सेप्ट वो उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है या फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है तो कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर उन्हें कोई इशू है तो वो अपनी डिटेल्स अपने सजेशन्स जो हैं यहाँ फ़ीडबैक फॉर्म में फिल कर सकते हैं ये डायरेक्टली जो फीडबैक फॉर्म है ये सी डैट मुंबई जो जिन्होंने ये ओ लैब्स क्रिएट करी हैं उनके पास तक पहुंच सकता है और वहाँ पे वो अपने सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल तो बहुत ही विशेष जानकारी आप हमारे साथ और हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे और प्रोफेसर शशि प्रभा और एना जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और दर्शकों जैसा कि हमने सत्र के आरंभ में भी आपको बताया था कि आप सभी के लिए हमारे पास एक प्रश्नोत्तरी यानी क्विज भी है जिसका लिंक जनरेट किया जाएगा 15 दिसंबर यानी हमारा जो अंतिम सत्र है इस प्रशिक्षण श्रृंखला का और एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर देखिए सी आई वेब पेज के बारे में आपको अधिक जानकारी हम यहाँ पर देना चाहेंगे आ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी की वेबसाइट है डब्ल्यू और यदि आप इस ट्रेनिंग सत्र के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत से विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम क्लिक करेंगे वर्कशॉप स्लैश ट्रेनिंग पर तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के भी विकल्प हैं तो यदि हम इस पर क्लिक करते हैं करंट एक्टिविटी के अंतर्गत तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेब पेज जो है वो आप सभी के लिए है जिसमें हम इस ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है दीक्षा पर वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और आपको आ, ये बैनर भी आप देख सकते हैं जिसपे हमने अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, अलग अलग दिनों के लिए विषय जो है आपके लिए पहले से ही उपलब्ध करवाए हैं यह जानकारी जैसे विद्यार्थी शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षक अभिभावक आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिस्सा ले सकते हैं अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं और दर्शकों आप सभी के लिए कार्यक्रम की एक अनुसूची है यानी एक प्रोग्राम स्ेड्यूल है और जिस तरह से हम अपने प्रोग्रामों को अपने सभी सत्रों को आ, समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं आप सभी के लिए हम प्रेजेंटेशंस और वीडियोज़ के लिंक्स भी यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो आज दूसरा दिन था इस सत्र का जिसमें हम वर्चुअल लैब एक शिक्षण उपकरण के रूप में इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है इस पर चर्चा कर रहे थे कल हमारी बातचीत का विषय रहेगा गणित के विशेष संदर्भ में वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्रीय उपयोग और दर्शकों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप भाग ले सकते हैं क्विज में तो इसके कई चरण हैं और सबसे पहला चरण है पंजीकरण यानी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे इस लिंक पर क्लिक करके या फिर इस क्यू कोड को स्कैन करके आप पंजीकृत हो सकते हैं फिर दूसरा चरण है कि आप हमारे लाइव प्रशिक्षण सत्र देख सकते हैं ई विद्या चैनल्स के माध्यम से भी और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एन ऑफिशियल के माध्यम से सत्र के बाद की जो गतिविधि है और जो प्रमाणन है उसमें भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित कराई जा सकती है यहाँ पर आप पढ़िए कि सत्र के बाद प्रश्नोत्तरी में आप भाग ले सकते हैं और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 70 परसेंट या उससे अधिक अंक आपको प्राप्त करने होंगे और जो प्रश्नोत्तरी का लिंक है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा 15 दिसंबर 2023 को शाम पाँच बजे तक और प्रारंभिक तिथि यानी 15 दिसंबर को आप अपनी एंट्रीज सबमिट करना शुरू कर सकते हैं और समापन तिथि यानी अपनी एंट्रीज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं दस दिन के अंदर पच्चीस दिसंबर दो हज़ार साढ़े बजे तक हम हमेशा कहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं बहुत मायने रखती हैं तो इस गूगल फॉर्म की मदद से आप अपना फ़ीडबैक हमारे साथ साझा कीजिए या इस क्यू कोड को स्कैन करके भी आप हमें बता सकते हैं कि हमारी ये ट्रेनिंग सत्र तो या प्रशिक्षण श्रृंखला आपको कैसी लग रही हैं अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी को बता दें कि एक वेबसाइट का हम लिंक भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं और हमारी जो ईमेल आईडी है ट्रेनिंग डॉट हेल्प डेस्क एट इसके जरिए भी आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं तो दर्शकों हमारी ये ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला का दूसरा दिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपने इस सत्र को पर एक विशेष जानकारी है आप सभी के लिए एन की विभिन्न पाठ्यपुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं आप इन्हें खरीद सकते हैं एन के अलग अलग सेल्स काउंटर से और दर्शकों अगर आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो एन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका लिंक भी हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उस पर स्क्रॉल कर सकते हैं आप और अपने प्रश्न भी जो भी आपकी क्वेरीज़ और डाउट्स हैं वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं तो दर्शकों फ़िलहाल इस सत्र को तो यहीं पर विराम देना होगा पर आप सब कहीं मत जाइएगा क्योंकि सहयोग का सत्र लेकर हम फिर से वापस हाजिर होंगे तो देखते रहिए विद्या चैनल्स और कल फिर से चार से पाँच हमारे साथ जुड़िए इस ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला के लिए नमस्कार